तो सैटरडे दिन था और इस दिन था इलेक्शन, तो सभी लोगों ने सबसे पहले वोट दिया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपना वोट, देखिए सब लोगों ने वोट दिया। और जैसे ही हमने डिसाइड किया अपना सैटरडे संडे को यूज़ कैसे करना है, तो हमारे जो डेस्टिनेशन होने वाले वो है अपना गोकुल, बरसाना, नंदगांव और अपना वृंदावन। तो इससे पहले हमने डिसाइड किया था हमें कोकिला वन भी जाना है, और क्योंकि ये रास्ते में पड़ता है तो इनके भी हम दर्शन कर लेंगे। और क्योंकि जो कोकिला वन में हमारे शनि महाराज जी मतलब स्थित है, उनके भी हम दर्शन करेंगे। और देखिए हम पहले हम ऑन द वे है और हम ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं कोकिला वन के, तो कोकिला वन के आस पास ही है। और देखिए जो हमारा सनसेट है कितना अच्छा लग रहा है, जो सनसेट डूब रहा था शाम को, क्योंकि इवनिंग में हम पहुँचे, हम दोपहर को निकले थे, इवनिंग में हम पहुँचे। सुबह सुबह हमने तो पहले उड़ दिया, फिर मैंने लंच वगैरह किया था, फिर उसमें टाइम वगैरह लग गया था, तो हम दोपहर को निकले थे और इवनिंग में हम पहुँचे अपने कोकिला वन। अभी कोकिला वन की महिमा ही बताएंगे हमारे मित्र भाई साहब, वो अपने बताएंगे कोकिला वन की महिमा क्या है और इसको पूरे ध्यान से सुनना, उसकी महिमा जाननी है कोकिला वन की महिमा। गाइस फाइनली अभी अभी एंटर कर रहे हैं हमें शनिदेव के मंदिर, आप पीछे देख सकते हो शनिदेव की मूर्ति है, बहुत ही अच्छा। एक मैंने जैसे कि आपको लीला बताई थी, यहाँ की एक लीला है, कोई साधारण शनिदेव की मूर्ति नहीं है, यहाँ पे लीला हुई है भगवान कृष्ण की। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो शनिदेव भी दर्शन के लिए यहाँ पे आए थे, तो यशोदा मैया ने उनका ऐसा रूप देख के उनको दर्शन करने के लिए मना कर दिया था, तो वो यहाँ पे अपना पड़ाव डाल के बैठ गए थे। और उन्होंने यहाँ से ही भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी थी कि प्रभु आपने सबको अपने दर्शन दिए तो एक बार मुझे भी अपने दर्शन दो, तो जाके यहाँ पर उन्होंने शनिदेव को भगवान कृष्ण ने अपने दर्शन दिए थे। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा हमारे निखिल भाई ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया अबाउट दी कोकिला वन, सो फाइनली हमने कंप्लीट किए अपने दर्शन कोकिला वन के और हम आ गए ढाबे पे, जो भी हमें अपना नाश्ता पानी करना था वो हम कर रहे थे इवनिंग का। और चाय काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे, हमारे निखिल भाई बोल रहे काफ़ी मतलब कन्वीनियंट जगह ये जो हम ढाबे पर रुके हैं, इसके अपोजिट साइड तो मंदिर के हैं। और देखिए हमारी चाय काफ़ी कूलर वाली चाय थी, तो ये हमारे श्रीकांत भैया है ये हमसे बोले तो यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी खुश थे मतलब, ये वैसे भी अपने गांव से आ रखे थे, गांव से आते वृंदावन आ गए, इन्हें बहुत काफ़ी अच्छा लगा। और ये हमारे सोनू भैया और ये हमारे शुक्ला अंकल बोरे बस और कुछ नहीं खाऊंगा। तो हमने फिर फाइनली अपने कोकिला वन के दर्शन कंप्लीट कर लिया, अब हम जाएंगे नंदगांव। तो देखिए हम नंदगांव भी आ चुके हैं, नंद महल है टाइम, और रात का टाइम था और महल काफ़ी मतलब महल में काफ़ी शांति थी, अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, 8:30 या 9 बजे हम शाम को आ गए थे यहाँ पर। और उसके बाद हम बरसाना आ गए वहाँ से, और बरसाना में सब लोग बोल रहे मतलब सब लोगों का था कि भाई यहीं पर ही हम डिनर कर लेते अपना, क्योंकि रात भी हो रही थी तो सब लोगों ने डिसाइड किया डिनर कर लिया। तो फाइनली हम एक ढाबे पर रुके और वहाँ पर अपना डिनर वगैरह हमने कर लिया, और सब लोगों को मतलब काफ़ी भूख लग रही थी, सब लोग हल भी रहते मतलब काफ़ी अच्छा लगा उनका दर्शन वगैरह करके रात को, दो दिन रुकना था। और फाइनली हमने अपने डिनर वगैरह कर लिया, उसके बाद हमने डिसाइड किया वृंदावन जाने का। तो जो आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।